रहीम वेलकम टू पॉइंट टू पांडर आज मैं जो दोस्तों से बात करना चाहता हूँ वो है कि जी मुख्त माषरों में जो बॉडी लैंग्वेज होती है या जिसको हम जैसर कहते हैं वो, वो उनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ख़ास तौर पर जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं एज ए विज़टर या जो हमारे यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं वहाँ पर इलम हासिल करने के लिए तालीम हासिल करने के लिए पढ़ने के लिए तो उनको इन चीज़ों का यू you नो know, पता होना चाहिए तो जैसे हम देखते हैं कि जी जो आप एक उंगली से कोई भी यू you नो know, किसी को पॉइंट आउट करते हैं इशारा करते हैं तो ये कोई अच्छी बात समझे नहीं जाती है थ्रू आउट थी वर्ल्ड, ठीक है इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि जी ये हम पाकिस्तान में हम नो अपनी आस्तीन जिसको कहते हैं चढ़ा लेते हैं हम एक बाजू जो है उसको नंगा कर लेते हैं फिर हम मुट्ठी बना लेते हैं और फिर यूनो अगले बंदे की तरफ इशारा करते हैं तो इसका मतलब है कि या आप गाली दे रहे हैं या यूनो इसको वो अगला बंदा जो है उसको धमकी दे रहे हैं तो इससे यू नो ये पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम या बाकी भी मुल्कों में इसको कोई अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता इसी तरीके से हमारे यहाँ यहाँ पर जिस वक्त आप नो ऐसे दाढ़ी पे हाथ लगाते हैं तो इसका मतलब है अगले बंदे को आप धमकी दे रहे हैं तो इससे इतना आप करना चाहिए लाइक वाइज यू कैन से जब हम यू नो मूछों को ताव देते हैं तो इसका मतलब भी यही है कि जी हम अगले बंदे को धमकी दे रहे हैं इज एंड इस चीज़ से जो है हमें अवॉइड करना चाहिए अब अगर आपको लेट से कि जी कोई पूछता है कि जी आपने खाना खा लिया है तो हम उमून यू नो कुछ लोग जो है ऐसे गर्दन को हाथ लगाते हैं तो पाकिस्तान में और यू में तो ये चीज़ जो है इसी तरह की जी मैंने खाना खाया हुआ है आई हैड ए फेल जिसको आप कहते हैं कि मेरा पेट भरा हुआ है तो कोई मसला नहीं होता लेकिन चीन में अगर आप इस तरीके से गर्दन को हाथ लगाएंगे तो इसका मतलब है कि यू वॉन्ट टू किल एम तो वहाँ पर आप यू नो एमरसेंट सिचुएशन जो है वो हो सकती है ठीक है अब इसमें यू you नो know, आप गलती कर सकते हैं लेकिन अगर तो कोई यू कैन से आगे बड़ा आदमी है एजड है एक्सपीरियंस है उसको पता है कि यार ये बंदा जो है फ़ॉरनर आया हुआ है तो इसको पता नहीं है तो इसलिए वो एक्सक्यूज कर देगा लेकिन बाज़ात जो है यंग आदमी जो है वो जोश में भी आ जाते हैं कि यार इसने हमें ये क्या कह दिया है ठीक है और उस वहाँ पे यू नो सिचुएशन जो है वो एम्बेरसिंग भी हो सकती है और एट टाइम्स जो है वो डेंजरस भी हो सकती है तो इस चीज़ का जो है हमें ख्याल रखना चाहिए इसी तरीके से अगर आप देखें कि जी अमूमन हम यू नो आ, किसी को हम ओके कहते हैं तो ये उंगली से हम ऐसे करके बना लेते हैं यू नो अंगूठे और उंगली को यू नो करके तो हम कहते हैं हाँ यार ये ओके है ये तो ठीक है लेकिन ये ब्राज़ील में यूरोप में कुछ पार्ट्स जो हैं और इवन यूएसए के अंदर ये चीज़ जो है इसको कोई अच्छा नहीं समझा जाता ये बुरा समझा जाता है ठीक है तो इससे आपको इतना करना चाहिए लेकिन अगर आप यही चीज़ जो है ये उंगली और अंगूठा जो आपका खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि जी आप इशारा कर रहे हैं कि जो छोटा बच्चा जो है ना वो यू नो मेरे साथ है या इस तरीके से करके यू नो आप छोटे बच्चे के दूसरे को बता रहे हैं कि जी छोटा बच्चा जो है वो मेरे साथ है ख़ाह आप ड्राइविंग कर रहे हैं या वैसे यू नो किसी वक्त आप उसको इशारा करते हैं वी का निशान जो है ये ऑब्वियसली ये सारी दुनिया को पता है कि ये फतेह का निशान है विक्ट्री का निशान है हर जगह के ऊपर तो इसलिए ये कोई मसला नहीं है अब आप अगर मुस्कुराते हैं ठीक है तो मुस्कुराना जो है वो भी यू नो एक तो है कि जी आप प्लेजेंट स्माइल दे रहे हैं दूसरे को खुश हो रहे हैं लेकिन जो तंजिया मुस्कुराना जो है उसको यू नो इजनाव करना चाहिए क्योंकि उससे फिर अगले आदमी को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इसी तरीके से आप किसी की तरफ अगर घूरते हैं तो वो चीज़ जो है वो बदमाशी दायर करती है और वो इट इज़ नॉट लाइक एनी वेयर यू नो किसी को घूरना लेकिन अगर आप नॉर्मल भी यू नो किसी की तरफ देख रहे हैं तो ख़ास तौर पे यू नो जापान में और बरतानिया में यू नो आप कॉन्स्टेंटली किसी को देख रहे हैं बेशक आप प्लेजेंटली देख रहे हों बगैर किसी वजह के एक तो है कि जी स्पीकर बोल रहा है और आप उसकी तरफ देख रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन अगर आप लेट सपोज़ कि जी वैसे ही बैठे हुए हैं ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं या वैसे बैठे हुए वेट कर रहे हैं और वहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं और आप एक जो आदमी है उसकी तरफ यू नो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं बगैर किसी वजह के तो वो चीज़ जो है वो भी कोई यू नो बरतानिया में और जापान में अच्छी नहीं समझी जाती है तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए अच्छा अभी आप अगर एक गैदरिंग में बैठे हुए हैं और आप सैड हैं आप गमगीन हैं तो फिर इससे बेहतर है कि आप वहाँ पर उठ जाएँ बिकॉज उसकी वजह यह है कि आप फिर दूसरे जो लोग हैं उनको ये जैसीत दे रहे हैं कि दे रहे सम टाइम क्योंकि सैड का मतलब ये है कि जी अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आप पूरी महफिल जो है उसको आप खराब कर रहे हैं या आप उसको गमगीन कर रहे हैं तो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए अब इसी तरीके से जब कोई स्पीकर बोल रहा है और आप यू you नो know, वो प्रेजेंटेशन दे रहा है या आपसे बात कर रहा है और आप नीचे देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो इसको जो है वो बदतमीजी समझा जाता है जिस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब आपसे कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को आप यू you नो know, से सुने पहले बेशक आपने वो बात पहले भी सुनी हुई हो लेकिन आप उसको बात जो है तोज्जो सुने बिकॉज दैट इज नोन एज मैनरिज्म अब इसी तरीके से अगर आप एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और आप यू नो क्रॉस टर्म बैठे हुए हैं यानी आपने जो इस तरीके से करके आपने अपने हाथ जो है वो बांधे हुए हैं तो वो चीज़ जो है वो कोई ठीक बात नहीं है इसका मतलब है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं लेकिन अगर आपने वही अपने दोनों हाथ जो है फैला के हाथ पे यू नो मेज़ पर रखे हुए हैं और आप ऑन एंड ऑफ बार बार यू नो स्पीकर की तरफ देख रहे हैं और अपना सर भी ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि जी खा आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही लेकिन फिर भी आप उसको एक अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं और इंक्रेज कर रहे हैं कि जी मुझे आपकी समझ आ रही है तो ये भी एक अच्छे मैनर्स में ये चीज़ समझी जाती है Uh, इसी तरीके से अगर आप यू नो कोई स्पीकर जो है प्रेजेंटेशन दे रहा है और आप अपना जो टी कप है उसको यू you नो know, फिडल कर रहे हैं बार बार और या पेंसिल जो है उसको आप उससे साथ खेल रहे हैं घुमा रहे हैं जैसे हमारे लोगों की आदत है तो इसका मतलब है कि जी आप उस प्रे, प्रेजेंटेशन जो स्पीकर है उससे बेजार है। you know, हैं यू नो इससे आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है इसी तरीके से अगर आप अपनी बाजू और टांगे जो है वो फैला कर बैठे हुए हैं तो जापान में इस चीज़ को कोई अच्छा नहीं समझा जाता सिमिलरली uh, uh, अगर आप वैसे तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर आप खड़े हुए हैं और आपने अपनी पैंट जो है उसकी जेब में हाथ डाले हुए हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये अमूमन जो थोड़े बड़े लोग होते हैं अफसर टाइप जो हैं वो जेब में हाथ डाल के दूसरे से बात करते हैं तो वो मतायत जो है वो तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है लेकिन अगर आप यही चीज़ जापान में करेंगे तो वो डेल नॉट लाइक इट इजन डेट टू तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए लाइकवाइज आप लेट से कि जी आ, उंगली से इशारा करते हैं यू you नो know, किसी को आने का या आप एक हाथ से कोई चीज लेते हैं या एक हाथ से देते हैं यू you नो know, तो ये चीज जो है ये चीन में कोई अच्छी नहीं समझी जाती तो इसको अवॉइड करना चाहिए अब इसी तरीके से अगर आप यू नो हथेली आपकी जो है उसको आप टेबल के ऊपर मारते हैं फ्रांस में तो ये चीज जो है वो कोई अच्छी नहीं समझी जाती तो मैंने ये आपको थोड़े से जैशियत बताए हैं जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू टॉपिक कि आपको ये पता होना चाहिए लेकिन आप मेरी ये ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं आ, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं या जो विजटर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब वो कहीं पे जाएं तो ख़ास तौर पे आजकल तो कोई मसला ही नहीं है आप गूगल भी कर सकते हैं ठीक है ना जी तो वहाँ पे जो उनके जो जेस्चर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज उसको पता होना चाहिए क्योंकि बाज़ात तो ठीक है मैंने जैसे पहले कहा कि अगर कोई बड़ा है एजेड है पढ़ा लिखा है एक्सपीरियंस है तो वो समझेगा ठीक है यार ये तो एक यू नो फॉरनर है तो इसको आप छोड़ दें लेकिन बाजार जो है यू नो लोग जो यंग लोग होते हैं वो फिर कहते हैं यार नहीं ऐसे हमें टॉन्ट किया है, है तंज किया है तो इसलिए ये मतलब एलमैंड आदमी है तो वहाँ पे यू नो कुछ अगली सिचुएशन जो है वो भी बन सकती है तो अगर आज मैंने यही बातें करनी थी तो अगर मेरे दोस्तों को ये बातें मेरी अच्छी लगी हैं तो बिल्कुल आप इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कीजिए और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की बातें होती रहेंगी थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज